पूर्वीय साथियों, आज दो हफ्ते के टाइम लोकसभा चुनाव में बाकी है और इन दो हफ्ते में आप लोग अपने वोट के अधिकार से प्रचार से आने वाले भविष्य के हरियाणा की तस्वीर और तकदीर लिखने का काम करो। मैं तो एक चीज आज आपसे अपील करने आया हूं कि हमारी ओर से एक युवा शिक्षित और आपकी बेटी बहन को अपने बदला निकाला है और इसी सोच के साथ उतारा है कि पार्लियामेंट में जाकर मजबूती से भिवाड़ी महेंद्रगढ़ की वो बात को रख पाए। यहां बदलाव आए परिवर्तन का उन्नति का, ना कि ऐसे लोगों पर नेतृत्व दे जो पांच पांच साल लोकसभा में बैठा है और कभी भी एक व्यक्ति की आवाज को उन्हें सुनने का काम नहीं करता। बुजुर्ग युवा साथियों, आपको याद होगा कांग्रेस की सांसद महोदय पांच साल लोकसभा में, बीजेपी का सांसद महोदय पांच साल लोकसभा में लगाकर है। मैं तो आपसे पूछता हूं, दस सालों में इन दोनों में से एक को भी कई पार्लियामेंट में आपने वोट को सुना? किसी एक की आवाज से किसान का दर्द, चंद्रगढ़ के पानी का दर्द, युवा के रोजगार का दर्द आपने कई पार्लियामेंट में वोट को सुना? ये तो वो लोग थे जो आपके वोट को ले गए और वोट ले जाने के बाद पार्लियामेंट में मोहन बाबा को फिर गए। मोदी कहा करता था मनमोहन सिंह मोदी है, बोलता नहीं। मैं तो कहता हूं कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार आपके भिवाड़ी के दोनों मोदी हैं। मनमोहन तो शायद दो शब्द बोला हो, ये तो दस साल में एक शब्द भी भिवाड़ी के अंदर लोकसभा का पाला नहीं। अब समय अपना चुनो, अब समय है बदलाव के लिए वोट आए। मैं तो आपसे कहता हूं, यहां गांव की बात आती है, पहले आपके गांव में भी रिजर्वेशन थी नहीं थी? जब लोकदल थी तो एक आदमी से पूछ के गांव में प्रोग्राम, अब तो रिजर्वेशन भी तोड़ दी, तोड़ी नहीं तोड़ी? अब मैदान संभाल लो, आपकी पार्टी है, आपका चुनाव। ये स्वाति का चुनाव नहीं है कि सोचोगी वो कर लेगी, इसके अंदर तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। खासतौर पर इतनी भारी संख्या में माताएं बहने बैठी, वोटों का आधा हिस्सा आपका है, 50% वोट पे आप बैठे, 50% वोट की ताकत समझो और ताकत समझ कर अपनी आवाज को बोलो। और जिस दिन आप खड़े हो गए, आपने अपनी आवाज को बुलंद कर दिया, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन माताएं बहने खड़ी होगी अपनी बेटी का कंधा बनकर उसका साथ देने लगी, भिवाड़ी अगर 50,000 1,00,000 से चुनौती में जुटा कर देगा तो महेंद्रगढ़ जिले से आप 2,00,000 2,50,000 से चुनौती में जुटा। हमने तो पिछली बार भी दावेदारी आपके छोड़ी थी, भिवाड़ी वालों ने तो नाका लगा दिया, 50,000 से जिता दिया, तो महेंद्रगढ़ आते आते सारा ढीले पड़े नहीं पड़े? इस बार तो नहीं पढ़ोगे, हाथ ठाकर बता दो नहीं पढ़ोगे। और धनोली जाट को तो मेरा हथियार पीढ़ी का है, समय से ले लो। मैं तो नौ में आने लाते था, इस साथ को मजबूती से निभाओगे, इस पर रिजर्वेशन तोड़ दो, कमजोरी नहीं आने की है। और जहां मोती की बात है, आज मोती मोती नाम टीवी अखबार में है, फील्ड में नहीं है। अपने पड़ोस में राजस्थान है, 25 मोती के आए थे पिछली बार, इस बार कितने आएंगे आते? साथ लगता हुआ यूपी है,
80 में से 71 मोदी के एमपी बने थे, इस बार तो शर्त लगा लिया 30 का आंकड़ा में मोदी बने थे। हरियाणा में 7 बने थे, 7 का विरोध, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप लोगों ने नंदगढ़ जिले ने मोर्चा मार लिया, आप लोगों ने कमर कस ली, तो इस बार अगर यहाँ खाता नहीं खुलेगा तो हरियाणा में भी खाता हमने खोलने के। एक चीज जरूर याद रखना, मोदी बड़े बड़े वादे करके गया था 14, आज के दिन उस पर कोई बहस नहीं करता। शुरू करो बीजेपी वालों से पूछो, कहते थे बेटी बताएंगे बेटी पढ़ाएंगे, आज हर रोज 2 रेप की घटना हरियाणा प्रदेश में होती। कहते थे गरीब को मकान देंगे, पर गांव में एक मकान बनाया हमने गरीब के लिए सरकार ने। अब कहते हैं 19 में नहीं, बात करी थी हमने 22 में देखी। कहते थे किसान की आय दुगनी कर दी, आज डीएपी 400 रुपये महंगी होगी, यूरिया 200 रुपये महंगी होगी, 5 रुपये कटेगा, 5 किलो कटेगा कम हो गया। ये हालात है किसान की, सरसों मंडी में लेके जाओ, आज तो आपके गांव की बारी है, कोई ले रहा 6 क्विंटल से ज्यादा, 25 क्विंटल से ज्यादा किसी किसान की नहीं खरीदी जा रही। आज मजबूरी में किसान को 4200 वाली सरसों 3400 3300 के दाम पे बेच रही है। बुजुर्गो युवा साथियों, मोदी कहता था आय दुगनी कर दूंगा, आज तो कर्जा दुगना कर दिया, किसान की जेब में तो 5-25 बचते थे फसल बीमा के और उठने शुरू कर दिए। आज खुद देखो कहते थे कि किसान को पेंशन दे देंगे, 2000 रुपए की बात करेंगे, हमने 2000 दी, और मैं आपसे पूछता हूँ 2000 दी 5 एकड़ फसल बीमा के, 5 एकड़ के सरसों के काटे 3500, 1500 का नुकसान किसका, आपका पति का। तो ये सोच लो मोदी गुजरात का है, गुजरात की व्यापार में तेज होते हैं, 4 रुपए लेके जब 1 रुपए वापस करेंगे। नोटबंदी देखी थी, सबके बैंक में पीछे गिरवा दिए, एक 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 गिरवाए कि सर्जिकल स्ट्राइक है कायदे, आपका पैसा बैंक में गया और बैंक का पैसा नीरव मोदी ललित मोदी विजय माल्या लेके विदेश में चले। नुकसान किसके हुआ, माल्या के मोदी के धारे। और एक चीज बता दो, मोदी का अब तक याद है, 8 नवंबर को बोली थी, कहता था सर्जिकल स्ट्राइक है काले धन पे, सर्जिकल स्ट्राइक किस पे थे, काले धन पे नहीं थी, ये सर्जिकल स्ट्राइक थी तो खास तौर पर हमारे माता और बहनों के पास खुले धन पर, कोई हारी नारी के 4-5 हजार रखे हुए थे देश के अगेंस्ट की कौन पट्टी खुलवा थी। मगर इस बार मौका है, मोदी पे भी सर्जिकल स्ट्राइक करते हो, और मोदी पे सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए तो तोप घोड़े बंदूकों की जरूरत नहीं। अब तो 5 साल में एक बार मौका मिलता है वोट का, मशीन आगे होगी, जितनी बार की 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 दबाओगे उतनी जल्दी मोदी पे सर्जिकल स्ट्राइक करोगे। और ये टीवी पे अखबार पे आते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, एक के साथ एक मुफ्त, इस बार तो मौका बढ़िया है, जितनी बार चप्पल का बटन दबाओगे मोदी तो जाएगा खट्टर मुफ्त में भेजने का काम करोगे। इस मौके पर ना चुको, चुनाव दिन पता चल गया नहीं चला उनसे है, ताई नहीं खड़ा कर दिया, ताई मदद कर दिया, तो पुलकार आजा काट के दिखा दे, दोनों हाथ में ले ले पल्ली तरफ दिखा। अब सुनाओ तो कोई बोल रहे थे चप्पल का चुनाव दिन है, पुलसा चुनाव दिन है। मैं तो एक अपील करूंगा, मैंने याद है जब झाड़ू मिली थी आम आदमी पार्टी को, तो 2 दिन तक आम आदमी पार्टी उसको नीचे नीचे रखा करते,
मगर दो दिन बाद जब पता चलेगी वो झाड़ू नहीं तलवार बनेगी तो ठाली हाथ में और दिल्ली से कैसे झाड़ू चलाई, कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली से बाहर कर दिए। इस बार भी सुनवाई हो ना चप्पल धारा प्यार है धारी ढाल है, इसने हाथ में ठा के चली और पोलिंग बूथ में ले जाने तक कोई नहीं रोक पाओगा, रोक सकता है वो चप्पल पहने। आज तो इसकी बात करें कितनी उम्र है, कितनी उम्र है देख लो, 8 साल से लेके तो मैं 60 साल बता रहा हूँ, महिला ले लो पुरुष ले लो व्यापारी ले लो कर्मचारी ले लो खेत में किसान ले लो मंडी में मजदूर ले लो, कोई ऐसा है बिना चप्पल के दिन चला सकता है? झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति से लेकर और मुकेश अंबानी ले लो मोदी और ये बड़े बड़े पूंजीपतियों जैसा भी चप्पल के बिना नहीं चल सकता। और चप्पल का इतिहास तो सबने देखा ही है, जब भगवान श्री राम को बनवास काटने को भेजा गया 14 साल तो अयोध्या की गति पर क्या विराजमान रही, भगवान श्री राम के चप्पल खड़ रहे थे कि रहे थे। अपना तो सौभाग्य है चौधरी देवीलाल के नाम पर देना एक पार्टी रख ली और कनार सिंह चौधरी देवीलाल के पश्चिम खड़ा।